मुझे पता था कि तुम मुझे ऐसी किसी जगह पर मिलोगे। Well, certainly. मैं तुमसे कहीं पैलेस पर तो नहीं मिलता, और वैसे भी ये ढाबा तुम्हारे पैलेस के पीछे ही है। कबीर, I'm not your father. मैं सिर्फ उनके लिए काम करता हूँ। Well, it's all the same, man. मैं जहां जाता हूँ मेरे डैड किसी ना किसी को पीछे लगा ही देते। कबीर, मुझे पता चला था कि तुम इंडिया में हो, इसलिए मैसेज किया। यार, मुझे लगा था कि तुम दिल्ली में होंगे, मुंबई में होंगे। जयपुर, जयपुर मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। Don't lie, Sandy. तुम्हें ऑब्वियसली पता था मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए तुम्हारे सर ने तुम्हें यहाँ भेजा। नो 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 ब्रदर, आर यू मैड? जेएस को कैसे पता होगा कि तुम जयपुर में हो? जेएस, सो मिस्टर जसवंत सेकरी को आज भी लोग ऐसे ही एड्रेस करते हैं? यस, ही इज स्टिल द सेम। कुछ नहीं बदला है। वेल, आई कैन सी दैट ही इज स्टिल द सेम। कुछ नहीं बदला, तभी तो फिर से मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। कबीर, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस यार, बिलीव मी। एनीवेज चेक इट, सो तुम किंग्स कैफे के इंडिया चीफ हो? यस। खैर, ये जगह कैसी लगी तुम्हें? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? वेल, सो फार सो गुड। आई एम एंजॉयिंग, नथिंग टू कंप्लेन। अच्छा, टेल मी समथिंग, तुमने ये जयपुर में और भी प्रॉपर्टीज देखी या सिर्फ वही कैफे? चाय। देखो, अभी वो कैफे हमारी प्रायोरिटी है, बट वी आर लुकिंग आउट फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। सो वेल, तो बेहतर होगा अदर ऑप्शंस पे ही फोकस करो। क्यों? क्योंकि कोहली कैफे की डील मैं होने नहीं दूंगा। कबीर, तुम इन सब के बीच में क्यों पढ़ रहे हो? वो छोड़ो, आई एम रिक्वेस्टिंग, कोहली कैफे से अपनी नजर हटा लो और अपने बॉस को बोल देना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो डील नहीं हो पाई। कबीर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीजें तुम्हें इतना क्यों अफेक्ट करती हैं। कबीर, मैं सिर्फ उनके लिए एक बिजनेस प्रपोजल आया हूँ, और वो कैफे हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट को परफेक्टली मैच करता है। तो तुम नहीं मानोगे? नो, और आज की बेइज्जती के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं उस कैप्टन अक्षय को बताऊंगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है। Bloody idiot. मैं वो सब तो नहीं जानता। All I know is, तुम्हारे बॉस इस बार नहीं जीत सकते। Come what may. कबीर, तुम ये सब इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो? अच्छा, तुम पर्सनली नहीं ले रहे हो? It is personal, Sandy. मैं भी देखता हूँ ये डील कैसे होती है। Okay. Let's see then. आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पर जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं।
अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई, तुम्हारा नाक नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं, अभी